नमस्कार, फिर से स्वागत है कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम लगातार इंटरनेशनल गीता महोत्सव की कवरेज कर रही है। हम हर एक उस व्यक्ति को, हर उस कलाकार को आपको दिखाते हैं जो दूर दूर से यहाँ पर अपनी कला का मुजाहिरा पेश करने आए हैं, वो नजराना लेकर आए हैं। हर राज्य से कलाकार आ रहे हैं, व्यक्ति विशेष आ रहे हैं। उसके साथ साथ दूसरे राज्यों से, दूसरे शहरों से वो भी लोग आ रहे हैं जो अपनी आजीविका कमाने के लिए पहुँचे हैं, जिन्होंने छोटा सा अपना कारोबार जमाया है, या फिर या यूँ कहा जाए कि महिला सशक्तिकरण में उन्होंने कुछ शुरू किया है। यहाँ पर एक महिला है पंचकुला से, ज्योति। उनका अपना बेकरी का काम है पंचकुला में, वो शुभम बेकरी चलाती हैं। लेकिन जब उनको पता चला कि इंटरनेशनल महोत्सव चल रहा है कुरुक्षेत्र में, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई, अपनी बेकरी को लेकर यहाँ पर पहुँची। मैं बताना चाहूँगा कि वो अपनी दिखाना चाहते थे, वो अपने हुनर को पूरी दुनिया तक लेके जाना चाहते थे और उसी को आजीविका का साधन बनाना चाहते थे। दो महिलाएं हैं पंचकुला से पहुँची है और यहाँ पर बिस्कुट हैं, बेकरी की जो सामान है वो दे रहे हैं। ज्योति जी, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। थैंक यू सर। मैडम, जानना चाहूँगा, पंचकुला से आप आए हैं, बेकरी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, खुद भट्टी भी लेकर आप पहुँचे हैं ओवन जी, यहाँ सब माल यहाँ तैयार करके ताज़ा खिला रहे हैं सबको। हाँ जी सर, जी जी। देखिएगा, मैं बता दूँ, 738 शॉप नंबर पर आप देख सकते हैं, ज्योति है, उनकी असिस्टेंट है, वो लगातार यहाँ पर खुद तैयार करते हैं, ताज़ा बिस्कुट हैं जो अलग प्रोडक्ट है वो तैयार करते हैं। मैडम, क्या क्या बना रहे हैं आप? सर, हम यहाँ पे बिस्किट बना रहे हैं, केक्स बना रहे हैं, चॉकलेट्स बना रहे हैं सर। जी, मैं चाहूँगा एक बार देखिएगा, ये बिस्कुट हैं, तरह तरह की बिस्कुटें, और ये केक है। कितने तरह की बिस्कुटें हैं आपके पास? सर, अभी तो हमारे पास कम से कम 10 तरह की बिस्किट हैं। 10 तरह की? जी सर। और केक कितने तरह का बनाते हैं आप? केक भी सर 3-4 टाइप के हैं, चॉकलेट केक है, पाइनएप्पल, वनीला। 3-4? जी सर। देखिएगा, ये भट्टी भी आप साथ लेके पहुँचे पंचकुला से? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो काफ़ी ट्रांसपोर्ट आपको वहन करना पड़ा काफ़ी। कब आप यहाँ पर पहुँचे थे? सर, हम मेला स्टार्ट होने से एक दिन पहले पहुँच गए थे। एक दिन पहले यहाँ स्टार्ट किया? जी सर। देखिए, ज्योति जी हैं पंचकुला से, महिला होते हुए भी हम एक शहर से दूसरे शहर में भी हमें जाना पड़े, सोचना पड़ता है, लेकिन ये 100 किलोमीटर दूर पंचकुला से यहाँ पर पहुँचे सिर्फ इसी उम्मीद में कि 2 साल बाद जो मेला लग रहा है यहाँ पर, वो कुछ पैसे कमा के जाए। अब छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए होंगे जाहिर तौर पर। जी सर, बिल्कुल। तो वो बात करते होंगे, डेली मिस करते होंगे आपको? जी सर, करते हैं। किस उम्मीद में यहाँ पर पहुँचे? सर, उम्मीद यही है कि हमें प्लेटफॉर्म मिले, हम सीखें कि हम कैसे अपने काम को एक्सपेंड कर सकते हैं और ज़्यादा। और यहाँ पे सर ये मौका है कि हम देखें कि कैसे लोगों की डिमांड है और वो क्या खाना पसंद करते हैं। सरकार की ओर से किसी तरह की मदद, कोई ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं? जी सर, हम HSRLM से जुड़े हैं सर, उसी के थ्रू सर हमें यहाँ पे ये स्टॉल मिल पाया है। उसी के थ्रू किस तरह की मदद उस स्कीम के तहत आपको मिलती है? सर, हम जैसे इसमें ग्रुप्स बनाए हैं हमने जी, तो हम ग्रुप्स में काम करते हैं, तो फिर अगर कहीं पे भी ऐसे मेले आयोजन होते हैं तो हमें डिस्ट्रिक्ट से। जी सर, जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो अंदर भट्टी है वो भी आपको दिखाना चाहूँगा, वो खुद तैयार करते हैं, फ्रेश माल तैयार करते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिएगा, ये स्पेस है जो भट्टी है वो कैसे काम करती है, वो भी ज्योति जी से हम जानना चाहेंगे। देखिएगा ये भट्टी, मैडम कितनी बड़ी भट्टी है, एक टाइम में कितना बना लेते हैं इसमें? सर, एक टाइम में इसमें 3-4 केक बेक हो जाते हैं सर। 3-4? देखिएगा, मैं दिखाना चाहूँगा, आप इधर आके बताइएगा कैसे होता है, इसको खोल के दिखाइए। सर, एक्चुअली में भी हमने इसमें बिस्किट डाल रखे हैं। अच्छा, चल रही है प्रोसेस। हाँ जी सर। कितना टाइम लगता है इसको पकने में, तैयार होने में? 15-20 मिनट लग जाते हैं। 15-20 मिनट लग जाते हैं? हाँ जी। कितने की मशीन आपकी रहती है? सर, ये 50,000 के अराउंड। 50,000, मतलब एक मशीन है, बाकी तो सारा काम हाथ से होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल। जो मैडम आपके साथ है वो कहाँ से, लोकल है या? इन्हीं का है ये बिस्किट, मतलब दीदी ही बनाते हैं। अच्छा। तो उन्हें आप पूछिए, वो ज्यादा। जी जी जी। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, कैमरा उधर है, मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों से, बिस्कुट आप खुद बनाते हैं, कब से बना रहे हैं? एक साल से। और शुभम बेकरी, ज्योति जी से कब से जुड़े हैं आप? नहीं, वो मेरे साथ जुड़े हैं। वो आपके साथ जुड़े हैं? मेरा बेटा, मेरी बेकरी है। अच्छा, वो आपकी बेकरी है, मैडम की बेकरी है और वो चलाते हैं शुभम। शुभम आपका बेटा है? हाँ जी जी जी। तो कब, कितने सालों से आपने बताया?
एक साल से। हाँ जी। तो कैसा चलता है आपका जो पंचकुला में आप काम करते हैं, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। हाँ जी। और यहाँ पर कैसा चल रहा है आपका मेले में? भी अच्छा है। देखिएगा वो मैडम है, कहते हैं कि अच्छा चल रहा है, शुभम बेकरी के नाम से पंचकुला में है। आपको बता दें कि ब्रह्म सरोवर के हम बिल्कुल जो थाना है उसकी साइड है और 738 नंबर यानी बिल्कुल ही बाहर है। अमूमन यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो यहाँ तीर्थ यात्री हैं, बहुत ही कम संख्या में आते हैं, लेकिन फिर भी ये खुश है। भले ही इनकी सेल कम होती हो, ये फिर भी खुश है। कहते हैं जितना भी उन्हें मिले बहुत है। लेकिन मैं निवेदन करूँगा सभी दर्शकों से, जितने भी दर्शक कंचन टीवी को देख रहे हैं और ब्रह्म सरोवर पर घूमने आते हैं, इंटरनेशनल गीता महोत्सव में आते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि 738 नंबर शॉप पर जुड़ा है शुभम बेकरी के प्रोडक्ट, ताज़ा जो वो खुद अपने हाथों से बनाते हैं और यहीं बनाकर आपको देते हैं, तो निवेदन करेंगे जी। बाजार में नहीं मिलेगी, मतलब आप इनका कहना है कि जो आपके पास है कहीं नहीं मिलेगी। हाँ जी, बाजार में नहीं मिलेगी। स्वादिष्ट है। हाँ जी, एक तो देसी आटे के है, मक्की के है, बाजरे के है और ओट्स के है जी, रागी के है। बहुत बढ़िया। देखिएगा कहते हैं कि जो चीज़ें इनके पास मिलेगी, जो स्वाद, जो लजीज जो चीज़ें इनके पास मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। निवेदन है आपसे, आप यहाँ आइए और इसको प्रमोट कीजिएगा। महिलाएं हैं, दो महिलाएं यहाँ पर आई हैं और अपना सामान लेकर आई हैं, तो निवेदन है आपसे, आप यहाँ पर पहुँचिए और इसको खरीदने में मदद कीजिएगा, इसको प्रमोट करने में मदद कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजीत सिंह के साथ में यशपाल कंचन।